जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जोमंत्रा में। दोस्तों, आप यहां पर प्राप्त करते हो संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मियों और जो अतिथि शिक्षक, पैरा टीचर से संबंधित या प्राइवेट कर्मचारी या आंगनबाड़ी बहनों से संबंधित कोई भी अगर वेतन बढ़ोतरी या कोई भी बदलाव होता है या कोई भी सरकार या राज्य सरकार या केंद्र सरकार का आदेश जारी होता है, तो दोस्तों आप अपने चैनल के माध्यम से सारी सूचनाएं सबसे पहले प्राप्त करते हो। दोस्तों, हम हर बार यही मांग उठाते रहते हैं कि संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाए, चाहे वो राजस्थान के संविदा कर्मचारी हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग के हो, चाहे किसी भी विभाग के क्यों नहीं हो, चाहे केंद्र के किसी भी विभाग के हो, चाहे MP के हो, चाहे UP के हो, चाहे आपके जो छत्तीसगढ़ के हो या उत्तराखंड के उपनल कर्मचारी हो, उनसे संबंधित हम हर बार न्यूज़ लेके आते हैं। कहीं पर भी अपनी मांगे उठाते हैं संविदा कर्मचारी, तो हम आपके लिए सबसे पहले खबर लेकर के हाजिर हो जाते हैं। तो दोस्तों, वन बाय वन मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले हम राजस्थान पे चलते हैं। राजस्थान के अंदर आपका जो कांग्रेस सरकार आई थी सत्ता में, उससे पहले पुख्ता सभी संविदा कर्मचारी से वादा किया था कि अगर हम सत्ता में आए तो हम आपका वेतन बढ़ोतरी करेंगे, स्थायीकरण करेंगे और आपको राज्य कर्मचारी का दर्जा भी देंगे। ठीक है, जब सरकार बन गई उसके बाद में क्या किया, सरकार ने एक स्टेप लिया कि जो संविदा कर्मचारी है उनके लिए कमेटी गठित कर दी। ठीक है, उसके बाद में उनसे जानकारी मांगी गई कि आपने कब ज्वाइन किया था, आपके कोई मुकदमा तो नहीं है, आपने कुछ अप्रिय घटना तो नहीं हुई, मतलब ऐसे करके सारे इन्फॉर्मेशन, आप किस विभाग में कार्यरत हो, आपको कितना वेतन मिलता है, आप कब से कार्यरत हो, ऐसे करके आपने इन्फॉर्मेशन दे दी होगी। आपको कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके हमसे आप सारे डाउट क्लियर भी कर सकते हैं। उसके बाद में क्या हुआ, कमेटी की रिपोर्ट आ गई, रिपोर्ट में कुछ नहीं आया और रिपोर्ट के बाद यही बोला गया कि हर महीने में 2-3 बैठकें की जाएगी, उसके अंदर ये डिसाइड किया जाएगा कि संविदा कर्मचारी को वेतन बढ़ना चाहिए या नहीं चाहिए, या फिर आपका जो संविदा कर्मचारी उनका नियमितीकरण होना चाहिए या नहीं चाहिए। तो ऐसे करके अभी भी वही कमेटी में मतलब सिमट के रह गया। हम चलते हैं बिहार पे। बिहार में जब नीतीश सरकार आई थी तो आने से पहले वादा सेम वादा किया था, उसके बाद में एक चौधरी जो है उन्होंने कमेटी की अध्यक्षता, चौधरी मंत्री चौधरी है तो उन्होंने अध्यक्षता की थी, उसके बाद में उसका भी सेम 2-3 साल से वही चल रहा, कमेटी गठित की हुई, अभी तक रिपोर्ट नहीं आया है। और बहुत से हमारे संविदा भाई बहने कमेंट करते रहते हैं और पूछते रहते हैं सर हमारा क्या चल रहा। तो दोस्तों बताना चाहूँगा कि सरकार सत्ता में आने से पहले वायदे करते हैं लेकिन बाद में बहुत कम ऐसी सरकारें होती हैं वो निभाती है। ठीक है दोस्तों, MP में चलते हैं। MP में क्या हुआ, अभी जो कमेटी गठित की हुई थी उसमें जो आपका जो रिपोर्ट आनी थी वो अभी तक रिपोर्ट आई नहीं है, और रिपोर्ट आ भी जाती है तो उसमें ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा या राज्य कर्मचारियों को घोषित किया जाएगा। यूपी के अंदर अभी भी संविदा कर्मचारियों का वेतन बढ़ोतरी से संबंधित कुछ नहीं चल रहा है। दोस्तों, चाहे BJP हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे और कोई भी सरकार क्यों नहीं हो, संविदा कर्मचारियों के लिए जो वेलफेयर नहीं देखती है, हम उसके लिए मांग उठाते रहेंगे संविदा कर्मचारियों के लिए, क्योंकि हमारा चैनल समर्पित चैनल है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं संविदा कर्मचारी कहां कहां अपनी मांगे उठा रहे हैं और क्या क्या मतलब अपनी मांगे रख रहे हैं। तो दोस्तों, पहले बता देता हूं आपको, अगर आप स्वास्थ्य विभाग में NM GNM, परिवहन विभाग में ड्राइवर कंडक्टर, और आप शिक्षा विभाग के अंदर पैरा टीचर, पैरा शिक्षक, पंचायत सहायक, ग्राम पंचायत सहायक, ठीक है, तो आप ये सारे पदों पर कार्यरत हो, या आप कस्तूरबा गांधी जो विद्यालय है उनमें कार्यरत हो संविदा पे, या और किस ठेके के थ्रू आप कार्यरत हो, कार्य करते हो, या आप अनुबंध के थ्रू कार्य करते हो, या फिर आप कोई भी ठेके वाली कंपनी के थ्रू आप जो नाइट गार्ड्स लगे हुए हो, तो आपके लिए खुशखबरी आ सकती है या आएगी या नहीं आएगी, उससे संबंधित हम सारी इन्फॉर्मेशन आपको बताते रहेंगे चैनल के माध्यम से। तो दोस्तों, इस वीडियो को सेव जरूर कर दीजिएगा और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, इसलिए आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, खबर हम देख लेते हैं, थाली चम्मच बजाते निकालेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले बता देता हूँ आपको मैं, ये 16 सितंबर की खबर आप देख सकते हो, हल्ला बोल छग संयुक्त नियमित कर्मचारी महासंघ ने इंजीनियर्स डे पर किया प्रदर्शन, थाली चम्मच बजाते निकाली रैली, तकनीकी सहायकों के
को काम पर वापस रखने की ये मांग है। तो देख सकते हो जगह जगह ये मांगे उठाते थे। अगस्त में 2 तकनीक सहायकों की सेवा समाप्त कर दी गई थी, इसी का विरोध कर रहे हैं इंजीनियर्स डे के ऊपर। इंजीनियर्स डे में सड़क पर उतरे अनियमित कर्मचारी। तो आप देख सकते हो कांकेर की खबर, महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत कार्यरत कांकेर जनपद के 2 तकनीकी सहायकों की सेवा समाप्ति का आदेश जारी करने पर सेवा समाप्ति किए जाने के नाराज अनियमित कर्मचारियों काले कपड़ों से घंटी बजाते अनूठा विरोध प्रदर्शन किया और रैली निकाली और मुख्य मार्ग में रैली के दौरान बारिश में भीगते कलेक्ट्रेट मार्ग पर पहुंचे। तकनीकी सहायकों को कार्य पर वापिस लेने के लिए मांग को लेकर रैली निकाली जा रही है। आप देख सकते हो चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादों को हर हाल में पूरा करें और इसकी निगरानी के लिए एक कमेटी बनाएं, सोनिया गांधी का यह बोलना है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शुक्रवार को नई दिल्ली में कांग्रेस शासित राज्यों में मुख्यमंत्रियों और प्रदेश अध्यक्षों की बैठक बुलाई और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और कुछ प्रमुख नेता भी मौजूद थे। क्योंकि जो पहले जो सरकारों ने अपनी मांगे रखी, मतलब अपनी घोषणा पत्र था, वो सुनाए घोषणा पत्र उसके अंदर कई वायदे किए थे कि उनको पूरा किया जाए, सोनिया गांधी जी का बोलना है। लेकिन हम भी यही चाहते हैं कि हमारे सैयदा भाइयों का जो आउटसोर्स कर्मी है उनका और हमारी आंगनबाड़ी बहनों की जो मांगे हैं, कम से कम में मिनिमम वेतन तो कम से कम दिया जाए। समान काम समान वेतन के लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कई बार फैसले दे चुके हैं, फिर भी सरकार लागू नहीं कर रही है। तो हमारी मांग यही है, आप क्या चाहते हो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएगा। आप किस विभाग में और किस राज्य में कार्य, तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएगा। और आपको क्या डाउट है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर छोड़ेगा, आपके हर डाउट क्लियर किया जाएगा। और बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय जवाहर।